एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास और उसके उदाहरण देखेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो समास क्या है? सबसे पहले तो ये बहुत बार पूछा गया है कि वो किस शब्द से बना है। तो समास जो है सम और आस दो शब्दों से बना है, और जिसका मतलब है संक्षिप्त। ठीक है, आस का मतलब है शब्द, तो इनके मेल से बना है, यानी किसी भी शब्द का छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों को लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास या सामासिक शब्द या समास पद कहते हैं। जैसे ईश्वर से पद प्रदत्त शब्दों में से जो है वो विभक्ति का यानी अलग करने का नया शब्द जो बनेगा इनसे, वो बनेगा ईश्वर प्रदत्त। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको डिटेल में डालेंगे, संक्षिप्त में डालेंगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ईश्वर से प्रदत्त, जो कि एक कैसा शब्द है, जो कि एक सामासिक शब्द है। इसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं। इसके कितने टाइप है? 6 प्रकार है। अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद, द्विगु और बहुव्री। तो एक एक को हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अव्यय भाव को। तो अव्यय भाव के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि जो इसका पहला पद होता है वो प्रधान होता है, और आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी चीज बार 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 रिपीट हो रही होगी तो वो क्या कहेगा? अव्यय भाव। अब अगर आप उसमें से इसको निकाल देते हैं, जैसे निर, प्रति, यथा, बे, भर, तो सबसे पहले आके यही जो अक्षर हैं आपके यही जुड़ेंगे। जैसे यथा विधि, जहां पर भी आप यथा देखें तो आप बोल सकते हैं कि अव्यय भाव है प्रतिदिन, ठीक है, या प्रत्येक दिन बोल सकते हैं, दिन दिन बोल सकते हैं, यथा शीघ्र यानी जितना शीघ्र हो सके। तो ये जो पहला पद है वो प्रधान है। अब अगर आप प्रत्येक को तोड़ेंगे तो हर एक या एक एक या प्रत्येक, तो ये रिपीट हो रहा है। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा? अव्यय भाव। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ है, तो ये क्या कहेंगे हम इसको? अव्यय भाव समास बोलेंगे। अब तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो तत्पुरुष के अंदर जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होगा उसे बोलेंगे आपका तत्पुरुष समास। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो होगा वो लुप्त हो जाएगा, यानी नहीं दिखाई देगा। कैसे? तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्ण, गो, कर्ण से। तो अब कर्ता क्या होगा? कर्ता ने, जिसने काम किया वो होगा कर्ता ने, ठीक है। तो रमेश ने पुस्तक उठाई, तो रमेश क्या है? उसने, वो है, वह कर्ता है, और इसके साथ क्या लगा? ने लग गया, तो वो रह गया है इसके अंदर। तो हम कर्ण से स्टार्ट कर लेते हैं। अब कर्ण तत्पुरुष क्या होगा? जिसके ऊपर काम हो रहा है, यानी जिसमें कर्म की विभक्ति का लोप हो जाए, जैसे गगन चुंबी यानी गगन को चुमने वाला, यथा प्राप्त यश को प्राप्त करने वाला। यहाँ पे आपका जो समास लगा है वो है को, ठीक है, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, ठीक है। तो वो जो रहेगा ये रहेगा तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष समास। अब करण की बात करें तो कर्ता ने, कर्ण को, कर्ण से, तो से की विभक्ति का आपको, से की विभक्ति यहाँ पे शो होगी, जैसे कि रेखा से अंकित यानी रेखांकित, करुणा से पूर्ण, जो करुणा है जिसमें, करुणा से पूर्ण, सुर रचित, सुर द्वारा रचित। तो यहाँ पे से भी आ सकता है और द्वारा भी आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मन चाहा, मन से चाहा, तो इसमें कारण करण कारक की विभक्ति से या फिर द्वारा का लोप हो जाता है, यानी वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। तो वे कैसे समास है? करण तत्पुरुष समास। अब संप्रदान, संप्रदान में कैसे बोलेंगे? कर्ता ने, कर्ण को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, तो अब के लिए अब नहीं दिखाई देगा। कैसे? विद्यालय, विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए घर, बलि पशु, बलि के लिए पशु, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये कैसा तत्पुरुष समास है? तो से जहां पर भी आपको के लिए दिखाई देगा वो आपका संप्रदान है। तो हम अक्षर को क्या करेंगे? तोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या उसके बीच में के लिए आ रहा है, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये संप्रदान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष में आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे भी से यूज करेंगे। अगर हम देखा जाए तो संबंध में भी हमने क्या यूज किया था? अपने लास्ट में भी हमने क्या यूज किया था? अपना से ही यूज किया था, करण के
के लिए भी से यूज किया था, समन के लिए नहीं। तो यहाँ पर अपादान में क्या रहता है, अगर कोई चीज किसी से अलग हो रही है, गुणहीन, तो किसी से गुण जो है वो अलग हो रहे हैं, धनहीन, धन जो है वो किसी से अलग हो रहा है, हीन यानी कमी। तो उसके लिए जब कोई भी चीज किसी से अलग हो रही है तो आप बोलेंगे अपादान तत्पुरुष समास। और संबंध में हम का, के, की ये नहीं दिखाई देते हैं, जैसे राजा पुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार, विद्या सागर, विद्या का सागर। तो ये का हो या की हो या के हो, अगर वो नहीं दिखाई देते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो वह जो शब्द रहेंगे आपके समन तत्पुरुष वाले रहेंगे। अधिकरण में तो आपने सुना है कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान के लिए संबंध का के की, अधिकरण में या पर, ठीक है। तो अब आपको में और पर नहीं यहाँ दिखाई देंगे, जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, यानी लोगों में जो प्रिय होगा वो अधिक अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय के अंदर आपका क्या रहेगा, उपमान और उपमेय, या विशेषण और विशेष्य। विशेष्य जो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, विशेषण को बता रहा है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। परमानंद, जैसे कि परम है जो आनंद, आनंद क्या हुआ आपका, आपका क्वालिटी हो गया, ठीक है। और परम जो हो गया आपका वो विशेष्य हो गया। तो परम है जो आनंद वो हो गया आपका परमानंद। चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान आपने विशेषण पढ़ा होगा, विशेषण जिससे किससे बनता है, संज्ञा से भी बन सकता है, सर्वनाम से भी बन सकता है। तो यहाँ पे कमल के समान जिसके चरण है तो वो रहेगा चरण कमल। आप ये भी याद रखिएगा, जहां पर भी आप है जो आपको मिले, जब भी आप किसी वर्ड को तोड़े और है जो अक्षर जो है वर्ड आपको मिले, वो आपका कर्मधारय समास की पहचान कराता है। अब द्वंद समास बहुत ही इजी है, इसमें और, अथवा, या, एवं लगता है। और आप ये भी बोल सकते हैं द्वंद समास में योजक चिन्ह, यानी ये जो हाइफन आप देख रहे हैं वो भी यूज किया जाता है, जैसे राजा प्रजा, तो ये द्वंद समास है। छल कपट, छल और कपट, तो और आ गया बीच में, तो वो क्या हो गया आपका द्वंद समास, ठीक है। तो ये आपका द्वंद समास के कुछ एग्जाम्पल थे। द्विगु में नंबर होगा, नंबर यानी किसी समूह या समाहार या आपको नंबर की चीज बताई जाए। त्रिकोण या तीनों कोणों का समूह, सप्त यानी सेवन की बात हो रही है, सात सिंधुओं का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समूह। तो जब कभी भी नंबर की बात हो, ठीक है, तो उसके अंदर संख्या बताई जाए तो वो रहेगा द्विगु समास। अब बहुव्रीहि समास बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी पद व्यवधान नहीं होता है, पर हम क्या कह सकते हैं, हम किसी और की तरफ इशारा करते हैं इस समास को बताते हुए। घन श्याम, घन के समान है जो, तो किसकी बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है, लंबोदर गणेश जी की बात हो रही है, लंबा है उधर जिसका, ठीक है। महावीर, महान वीर है जो, वो हो गया हनुमान जी। विषधर, इसमें किसकी बात हो गई, विष को धारण करने वाला यानी आपके शिव जी, यानी किसी और की बात हो रही है, कोई भी पद प्रधान नहीं है इसमें, तो वो रहेंगे बहुब्री समास, ठीक है जी। तो आई होप आपको समास क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।